तो इस बार उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो नहीं हो रही, मगर पारा गिरने से नदियां, झील और झरनों का पानी जम गया है। ऐसी कुछ तस्वीरें जोशीमठ और उत्तरकाशी से सामने आई। पारा गिरते ही पहाड़ पर नदियां और झील जमने लगी हैं। उत्तरकाशी में डबराड़ी से लेकर गंगोत्री तक कई झरने और नालों में पानी जम गया है। इस तस्वीर को देखिए, पेड़ों की टहनियों के ऊपर पानी कैसे जम गया है। पिछले कुछ रोज में पारा काफी गिर गया है, ऐसे में जहां पर भी पानी रुका हुआ है वहीं जम जाता है। ठंड बढ़ने से लोगों को अब सर्दी का सितम भी झेलना पड़ रहा है। सर्दी दूर करने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उधर जोशीमठ के नीति घाटी इलाके में भी पारा गिरने पर झरने, नदी और नालों का पानी जम गया है। इस तस्वीर को देखिए, इस बरसाती नाले का पानी कैसे जम गया है। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने फ्रिज में पानी रखकर उसे जमा दिया हो। नीति घाटी में तापमान शून्य से -15 डिग्री तक पहुंच रहा है, जिस वजह से नदी और नालों में बर्फ जम गई है। दिन ढलने के बाद नीति घाटी में कड़ाके की ठंड हो रही है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत के साथ उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। तो एक तरफ पारा गिरने से पहाड़ में भी इस बार जबरदस्त सर्दी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अच्छी बात ये भी है कि इस बार बर्फबारी नहीं होने से बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत दूसरे चरण के काम शुरू करने की तैयारी। सर्दी के मौसम में भी बद्रीनाथ धाम में पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत हो रहे पुनर्निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। सर्दी के मौसम में इन दिनों जहां बद्रीनाथ धाम में काफी बर्फबारी हुआ करती थी, वहीं इस बार बद्रीनाथ धाम में नाम मात्र ही बर्फबारी हुई है। दूसरे चरण में मंदिर के आसपास के भवनों का अधिग्रहण कर सर्दी के मौसम में ही काम पूरा करने की तैयारी है। प्रशासन ने भवनों का अधिग्रहण कर पहली सूची में 47 और दूसरी सूची में 28 भवनों को फौरन खाली करने के नोटिस जारी किए हैं। प्रभावित व्यापारियों के लिए देवलोक के सामने नई दुकानों का निर्माण हो रहा है। इन दिनों 400 अधिकारी, कर्मचारी और मजदूर बद्रीनाथ धाम को संवारने में जुटे हैं। धाम को मास्टर प्लान के तहत विकसित करने के लिए 2 साल से काम चल रहा है। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत 3 चरणों में बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना है। इसके लिए केंद्र से 273.23 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।